कोटपुर, अलीगढ़ अलीगढ़ अलीगढ़, बहुत जबरदस्त मैच होगा। क्रिकेट लवर अलीगढ़, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, शेयर करें क्रिकेट लवर अलीगढ़ को। मैच कब स्टार्ट होगा यार? मैच कब शुरू हो रहा है? मैच शुरू होगा, पहला ओवर फेंकने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। पूजा ही जीतेगी। जल्दी वहाँ से और नाजिम भैया को मेरा नाम ले, शमशाद खान महादेव का भक्त, मे बी पॉसिबल जो भी जीतेगा अलीगढ़ या खुर्जा जीतेगा, देखना ये है। नाजिम भाई को ऑल द बेस्ट बोलो मेरी तरफ से, ऑल द बेस्ट नाजिम मुरादाबाद भाई, पूरा टाइम देना। ओके थैंक यू वेरी मच। खुर्जा जीत गया। माही यादव, आदर्श खान, क्रिकेट लवर अलीगढ़, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और यहां पर बिल्कुल तैयार, एकदम जबरदस्त तैयारी है। पहली बॉल फेंकते हुए करें। अलीगढ़ जीतेगी। अथर्व भाई की बैटिंग कब आएगी? अलीगढ़ विन बता दो। और इरशाद भाई बहुत अच्छे बोल रहे हैं, अनीस मेवाती, एसटी गेमर 18, कैंप पाशा, स्पोर्ट्स फॉर यू, जुबैर गाजी, स्पोर्ट्स फॉर यू। हाँ प्लीज कंफर्म, आवाज लगवा दो। एसएफ खान की अम्मी का इंतकाल हो गया है, गांव केरियावली अपने जिला। एसएफ खान भैया, एसएफ खान कौन है प्लीज कंफर्म? एसएफ खान कौन है? प्लीज कंफर्म। फर्स्ट बॉल कंटिन्यू स्टार्ट। एसएफ खान कौन है भाई? पहली बॉल मैच की और फुल टॉस बॉल यहां पर यूपी किंग आसिक अली। रन आउट नहीं हुआ है। फाइनल का महान संग्राम, एस एफ खान की अम्मी का इंतकाल हो गया है, गांव क्रियावली अलीगढ़ की टीम टॉस जीतने के बाद, और जो भी कप्तान स्पीड पे टॉस जीतती है वो बल्लेबाजी करती है, और टीम के लिए बड़ा काम होता है इस मैदान पे टॉस जीतना। भैया भाई टॉस का सिक्का जो उछाला गया था, चांदी का सिक्का था, और जिनके द्वारा दिया गया उस शख्स का नाम है शाल लकीर। मोहब्बत, खलूस, वफादारी की मिसाल, और युवाओं के दिल की धड़कन शाल लकीर। और ये दूसरी बॉल सामने आशिक अली, ये दूसरी बॉल दूसरी बॉल बॉलर है एसपीएल का, और बल्लेबाज का नाम है आशिक अली। एसएफ खान जो है कहां से मैच देखना है प्लीज कंफर्म करिए? एसएफ खान कहां से मैच देखने आए? आवाज लगवा दो भाई। इतनी वीर तो मैंने अभी तक से अपनी कमेंट्री में को कहीं देखा ही नहीं है। ये देखो है ना, आवाज लगवा दो भाई। सन्नाटा होगा शिकारपुर की, अपने घर चले जाएं। तो बस्ती में सारे दर्शक ये शिकारपुर के ग्राउंड में मौजूद है। एक मिनट, हेलो भैया, मैच को स्टार्ट। एसएफ खान जो भी भैया अपना यह मैच देख रहे हैं, उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया है। हल्के हाथों से टहलाया है, ड्राइव किया है, और यार भाई हजार होने चाहिए कम से कम यहाँ पर व्यूअर्स जो है, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें क्रिकेट लवर अलीगढ़ को। बहुत जबरदस्त मैच होगा, जीतने में माहिर है। सिर्फ एक ही मुकाबले में टॉस हारे थे, बाकी सारे मुकाबले में इन्होंने भाई आवाज लगवा दी है मैंने अपने नाम की, और सभी लोग दर्शक जो है जुड़ जाए। एसएफ खान करियावली वाले भैया जो मैच देखने आए, मैं उनको बता दूं उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया है, वो अपने घर चले हैं। एसएस खान करियावली वाले, उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया है। सभी दर्शक सुन ले, एसएस खान है कोई, वो उनका मैसेज जो है यहाँ आ रहा है यूट्यूब चैनल पे हमारे, तो कंफर्म कर लें भैया एक बार अपने घर पे कि जो खबर है वो सही है या गलत है, एक बार कन्फर्म कर लें। एसएस खान करियावली गाँव वाले, मैच स्टार्ट। तीन गेंदे 6 रन।
और सलामी बल्लेबाज के रूप में नाजी बल्ले, पिछले मुकाबले में भी इनके बल्ले से अच्छा रन निकला था। और सामने गेंदबाज बलराम है बॉलर, चौथी बॉल। डिफेंस करना चाहते थे लेकिन बल्ले और बॉल का मिलन हुआ नहीं। इस ओवर की पहली डॉट बॉल, अलीगढ़ के बल्लेबाज जानते हैं कि 80 से 90 और सॉरी 10-10 ओवर का मुकाबला है तो कम से कम 120 तो चाहिए। और छक्का, जबरदस्त है, बहुत तगड़ा छक्का मारा है नाज़िम अली ने। बहुत ही लंबा छक्का मारा है नाज़िम अली ने यहाँ पर। लाइक नंबर भाई प्लीज शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, क्रिकेट लवर अलीगढ़ को सभी लोग शेयर करें, क्रिकेट लवर अलीगढ़ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शान लकी की सभी लोग शेयर करें। फाइनल मुकाबला है, पहला ओवर है, और हैट्रिक विकेट पे क्रिकेट लवर अलीगढ़ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जबरदस्त मैच होगा ये क्रिकेट लवर अलीगढ़, आप लोगों को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, लोग देखना चाहिए, लाइक करें भाई, लाइक करें सभी लोग, लाइक कर दें क्रिकेट लवर अलीगढ़ को, सभी लोग लाइक करें, लाइक करें क्रिकेट लवर अलीगढ़ को, वेरी थैंक यू। हैट्रिक लेने पर 1100 रुपए का इनाम। फाइनल का मुकाबला बहुत ही जबरदस्त मैच होगा क्रिकेट लवर अलीगढ़ नईमुद्दीन गाजी की तरफ से। एक और शॉट मार दिया है फील्डर है तैनात, एक ही रन लेने में कामयाब हो पाएंगे यहाँ पर। वो काम चलाना होगा बल्लेबाज को, एक के बाद 13 पे 1, एक ओवर 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के अलीगढ़ का स्कोर है। प्लीज मेरा सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर क्लियरिटी जरा सी भी खराब हो तुरंत मैसेज कर दें, होती है अच्छा मैच होगा, सभी लोग मैसेज कर दें जल्दी से। और ये शेर वर्सेस शेर की लड़ाई है क्रिकेट लवर अलीगढ़, आप लोगों को एक अच्छा मैच यहां पर दिखाते हुए फाइनल का मुकाबला है, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें। कोई भी बल्लेबाज क्रिकेट लवर अलीगढ़ छक्के लगाते हैं तो इरशाद भाई छतारी अलीगढ़ की तरफ से 1100 रुपए का इनाम। भाई रिकॉर्ड लोग देख रहे हैं आज, बहुत जबरदस्त मैच हो रहा है का मुकाबला। नाज़िम मुरादाबाद टॉस जीतने के बाद क्योंकि इस पिच का वो सूत्र है जीतने का, टॉस जीतिए और पहले बल्लेबाजी कीजिए। 606 भाई सभी लोग शेयर करें, कब्जे में रहेगा, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट लवर अलीगढ़ को शेयर करें, सभी लोग शेयर करें। और नाज़िम अली के हाथ में बॉल है, दूसरा ओवर प्रगति पर, यहां पहली बॉल नाज़िम अली के लिए और बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं नाज़िम, बहुत ही तगड़े बल्लेबाज हैं, हाई क्वालिटी हाई रिस्क, बहुत ही तगड़े बल्लेबाजी करते हैं नाज़िम अली, वेरी क्वालिटी टफ का बॉल डालते हैं और विकेट चटका के देते हैं कप्तान को। और मार दिया है, विकेट की कॉल है, नो मैन्स लैंड में बॉल गिरी है, लेकिन नो मैन्स लैंड में गिरी है बॉल, नो मैन्स लैंड में गिरी बॉल, एक रन आसानी के साथ भाग गए बल्लेबाज, फील्डिंग सेट थी बिल्कुल, विकेट की कॉल थी और विकेट अमूमन आ ही गया था। और कमेटी का डिसीजन है कि कोई भी अगर इनाम लगाते हैं तो दोनों टीमों के लिए लगाना होगा वरना आप इनाम मत लगाएं। भाई जबरदस्त बैटिंग, आशिक अली भाई आ गए हैं स्ट्राइक पे और क्रिकेट लवर अलीगढ़ ने और पैर पर बॉल थी, वाइट है इस बार, लेकिन वाइट का इशारा आ चुका है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, कौन बदला था गेंदबाज, लेकिन दिशाहीन बॉल, वाइट का इशारा, नांगे हाँ और जबरदस्त मैच होगा ये, बहुत ही तगड़ा हाईएस्ट है। रन जो है वो गोरी का था 75 रन, सॉरी 94 और नाज़िम अली का है 75,
उनसे बहुत थोड़े मार्जिन से पीछे चल रहे हैं और श्री ऑरेंज कैप के ये आज हकदार बन सकते हैं। अगर 25 रन से ज्यादा बना देते हैं तो और फाइनल मुकाबला कमेटी की तरफ से ये संदेश आया है कि कोई भी इनाम हैट्रिक छक्के या हैट्रिक विकेट पे नहीं होगा, हर विकेट या हर छक्के पे रखिए। एक बॉल नहीं, दीवार में टकराई है, पीछे फील्डर तैनात थे, एक ही रन मिल पाएगा बल्लेबाज को। नहीं नहीं, कोई भी शख्स अगर इनाम लगाते हैं तो हैट्रिक विकेट या हैट्रिक छक्के पे नहीं, हर बॉल हर छक्के या हर विकेट पे लगाना होगा। 1.3 ओवर के बाद 16-0 अलीगढ़ की टीम। दक्ष भाई हमें ये बताइए, सचिन मलिक आया कौन सी टीम में? पहला दिया है नाज़िम ने, एक रन के लिए पहलाया है बॉल को, गेंद जा रही है कवर की दिशा में, फील्ड हुई। और दर्शकों के लिए इनाम, अगर एक हाथ से कैच पकड़ते हैं तो शान लगेगी तरफ से 2.25 लीटर का कोल्ड ड्रिंक। और ये बॉल हवा में है लेकिन फील्डर दौड़ तो रहे, पकड़ेंगे और पकड़ लिया है कैच, नाजिम अली आशिक अली को कह दिया है अलविदा बाय बाय टाइटर। नाजिम अली अमूमन नए बॉल से बॉल करते हैं और विकेट चटकाते हैं, इस गेंदबाज की ताकत है। और आज आशिक अली बड़ा मुकाबला, फाइनल का मुकाबला, निराशा इस सिर्फ हाथ लगी है इस लड़के को। इरशाद भाई छतारी की तरफ से हर छक्के पे 100 रुपए का इनाम और हर विकेट पे 200 रुपए का इनाम। लोकेश मीना आ गए हैं अब स्ट्राइक पर, एक विकेट का पतन हो गया है अलीगढ़ के। 10-10 ओवर का मुकाबला, पहली विकेट तो चटका दी है नाजिम अली ने। भाई वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए भाई, 10-10 ओवर का फाइनल देखने को मिल रहा है, वीडियो लाइक जरूर करिए यार। अरे सब्सक्राइब करिए भैया, हटे हैं यहां से प्लीज, कमेंट कर रहे हो सब लाइक करो, निर्भय सिंह भैया बिल्कुल लाइक करो यार। एक नाजिम अली पर्पल कैप के ये हकदार बन गए हैं, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज में इनका क्रम ऊपर में तैनात है। फाइनल मैच है ये अलीगढ़ वर्सेस कमेंट्री से, हमारे शिकारपुर वासी जितने खुश हुए काबिले तारीफ है, जोश भर दो इनके अंदर। और शुक्रिया शहनवाज भाई। लोकेश मीना आए हैं स्ट्राइक पर, यहाँ खेल रहे हैं अब राजस्थान की कैच पे 200 रुपए का इनाम, अभी जो कैच पकड़ा था आशिक अली का, चांद पेंटर की तरफ से। और बल्लेबाज आ गए लोकेश मीना, वोमन ये ओपन करते थे लेकिन आज तीसरे नंबर पे कप्तान ने इनको भेजा है। और पहली बॉल को हल्के से टहलाया है, पॉइंट पे गेंद फील्ड हुई है, एक रन से खाता खुल जाएगा इस बल्लेबाज का। दो के बाद 19-1, दो ओवर 19 रन एक विकेट, दो के बाद 18-1। तो 10-10 ओवर का मुकाबला, वो अलीगढ़ के बल्लेबाज माइंड में थोड़ा सा, दो के बाद 18-1, दो ओवर 18 रन, अलीगढ़ के बल्लेबाज पूरे टूर्नामेंट में शेयर करें भाई, 1000 लोग देखें कम से कम, आज टारगेट सेट करके चलते हैं माइंड में। कामरान भाई खुदे वाली टीम की लिस्ट आ गई पूरी, नहीं आई ले लो। हेलो, और अलीगढ़ के गाड़ी बाहर निकलवा दे, गाड़ी पे लोग बैठे हुए यार, भाई की जगह भोला एक्स्ट्रा है, कह दे जल्दी रोड पे निकाल खड़ी कर दे, समीर भाई की जगह भाई बहुत बहुत जल्दी लिंक कर रहे हैं, और जबरदस्त मैच है भाई, लिस्ट ले लो। 18 हो गए 2 ओवर में।
दोनों कप्तान प्लेयर लिस्ट जमा कर दे। एक विकेट के नुकसान पर दो के बाद 18 पे 1। और गेंदबाज जीशान जॉन्टी बाएं हाथ के गेंदबाज, सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज लोकेश मीना। रिवर्स मारा है, पहली बॉल पर 4 रन दिया है। इस खिलाड़ी का रुतबा अलग है। अरे तू उसके पास देख ले कहां है वो, अंदाज अलग है। और ये मैदान के चारों तरफ पहली बॉल पर ही चौका मार दिया है यहाँ पर लोकेश मीना ने। पहली बॉल पे कमाल का रिवर्स स्वीप। और दूसरी बॉल, और दूसरी बॉल, और चकमा दिया है बल्लेबाज को। चकमा दिया है बल्लेबाज को, डॉट बॉल हुई है। भाई मैसेज को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। इस गेंदबाज की ये ताकत है, गति के साथ साथ स्लोवर अच्छा डालते हैं। एक और स्लोवर बॉल, फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास, लेकिन बॉल और बल्ले का संपर्क ये हो नहीं रहा है। पहली बॉल पे बाउंड्री आई थी जरूर, लेकिन उसके बाद दो लगातार डॉट बॉल। और इस बॉल फुरालैंड की बॉल थी, हल्के से ड्राइव किया है, बॉल एक्स्ट्रा कवर में फील्ड हुई है। एक रन आसानी के साथ भाग जाएगा बल्लेबाज। और अलीगढ़ के बल्लेबाज माइंड में शेप सेट करके चलते हैं, टारगेट की इतना बनाना है 10 ओवर में। वैसे खराब बॉल थी, लेकिन और शाल के कमेंट्री बॉक्स के पीछे आ जाए। 4 गेंदे 5 रन, पहली बॉल पे आई थी बाउंड्री, फिर उसके बाद 3 बॉल और आई है मात्र 1 ही रन। 5वीं बॉल, ओ 5वीं बॉल, बल्ला तो इस बार भी चलाया था, लेकिन इस गेंदबाज ने पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाज को खेलने के लिए मजबूर किया है। और अभी तक से बेहतर गेंदबाजी हो रही है इस लड़के के द्वारा। अब थोड़ा सा फील्ड चेंज, फील्ड में बदला, अब जो शॉर्ट पॉइंट में खिलाड़ी थे उसको अब डीप थर्ड मैन पे तैनात करके रखा है। ये बॉल क्या पीछे डालेंगे, अंतिम बॉल और बिल्कुल डीप थर्ड मैन की तरह ही बॉल गई है। एक नहीं 2 मिल जाएंगे बल्लेबाज को। और 3 के बाद 25 पे 1 अलीगढ़ की टीम। फाइनल गेम और रोंगटे खड़े हो जाएंगे आज के मैच में। तो घड़ी की सुई भी थम सी जाएगी, दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी। अंतिम 3 ओवर हो गए हैं इस मैच को और 1 ही विकेट है अलीगढ़ का स्कोर। और नाजिम अली पर्पल कैप के हकदार, लोकेश मीना वो पर्पल कैप के हकदार रहेंगे, तो फिर तोहफे में दिया जाएगा। तो पहली बॉल और डॉट हुई है, वाइड नहीं दिया भैया। नाजिम अली के सामने लोकेश मीना, नहीं इस बार तो काफी दूर डाल दिए थे, वाइड लाइन से भी बहुत बाहर थी बॉल। पंबार का इशारा वाइट का, और शायद रिव्यू लिए गेंदबाज। 3-3 रिव्यू है दोनों टीमों के लिए, बल्लेबाजों के लिए और गेंदबाजों के लिए। अब
थोड़ा सा चेक किया जाएगा कि ये बॉल वाइट है या फिर राइट। टॉस चांदी के सिक्के से आज टॉस उछाला गया था। हमारे थर्ड अंपायर हमारे बीच आ चुके हैं। चांदी का सिक्का जिनके द्वारा दिया गया शाल लकी थर्ड अंपायर के पास ये डिसीजन गया है और थर्ड अंपायर बताएंगे ये वाइट है या नहीं। कुछ ही क्षणों में आपके बीच ये डिसीजन आपके बीच होगा। थर्ड अंपायर देखते हुए भाई खिलाड़ी हटे खिलाड़ी हटे थर्ड अंपायर को दिया है केवल। थर्ड अंपायर है हमारे भारत के लिए हमारे बुजुर्ग हैं। ये जो डिसीजन लेंगे वो आपको मानने होगा भाई। ये पीछे से हटे भाई हटे पीछे से आप देना अपना मोबाइल में चल नहीं रहा टीम में ने कॉल कर बहुत ही शानदार टूर्नामेंट हो रहा है। अगर खिलाड़ी को कोई डिसीजन पसंद नहीं है तो वो रिव्यू भी ले सकता है। एक पारी में मतलब पूरे पारी में जो भी टीम बैटिंग करेगी बॉलिंग करेगी तीन रिव्यू है उनके पास। अगर कोई रिव्यू उनका सही होता है तो वो फिर से रिव्यू इतने ही रहेंगे। अगर गलत हुआ तो घर जाएंगे। जैसा आपने सभी अंतर्राष्ट्रीय मैचों में देखा होगा कि रिव्यू सही होता है तो बरकरार रहेंगे रिव्यू। हर एम्पायर के पास डिसीजन चलता हुआ है। कुछ क्षणों में निर्णय होगा कि गेंद वाइड थी या नहीं। बोल भाई बीमार है आज नौकर। हमारे थर्ड एम्पायर बहुत दूर दराज से हमारे बुजुर्ग आए हुए हैं। जाना चाहूंगा ये बॉल वाइड थी तो तुम जल्दी दे दो पहले भैया। तो बॉलिंग टीम का एक रिव्यू खत्म। अब बॉलिंग टीम के पास दो रिव्यू बचे हैं। एक रिव्यू खत्म हो गया। अब बॉलिंग टीम के पास अगर वो बैटिंग भी करेगी अगर रिव्यू भी लेगी तो केवल दो रिव्यू बाकी हैं। तीन ही है टोटल रिव्यू एक गवा दिया। व्हाइट के लिए रिव्यू थर्ड एम्पायर की तरफ गए थे गेंदबाज और ये रिव्यू हुआ है भाई व्हाइट करार दे दी गई है। क्रिकेट लवर अलीगढ़ में ये चेक किया गया था तो फिर व्हाइट ही थी। बहुत ज्यादा जबरदस्त मैच आज आ जाएगा। इस मैच में सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हेलो भैया गेट के सामने जितनी भी बाइक खड़ी हैं इन्हें सब हटा लें। कुछ ही देर में एसएसपी आ रहे हैं। जितनी भी बाइक गेट पे खड़ी हैं सब हटा लें भैया। गेट के सामने जितनी भी बाइक खड़ी हैं इन्हें सब हटा लें। एसएसपी साहब आने वाले हैं कुछ ही देर में। एंगल का हिसाब हो रहा है पीछे आते ना भाई। एक बार मैं फिर बता दूं एक पारी में तीन तीन रिव्यू आए बैटिंग बॉलिंग के लिए। अगली पारी में फिर से तीन तीन रिव्यू आए यानी बॉलिंग 3.1 के बाद 26-1 अलीगढ़ की टीम। और दूसरी बॉल ओ बहुत ही तगड़ा छक्का मारा है यार 6 रन तो भी रिवर्स में लड़केगी क्या। भाई सामने से गाड़ी हटाना प्रशासन चालान कर देगी। गेट के सामने भैया गाड़ी आ रही है प्रशासन की।
अपनी गाड़ी हटाना भैया, चालान हो जा रहा, गाड़ी भैया बाहर खड़ी है प्रशासन की। छक्का लगा दिया, भारी तलवार है इस बार, नजाकत नहीं, आउट फील्ड थोड़ा सा धीमा है, थर्ड मैन एरिया का, दो रन पूरा कर लेंगे बल्लेबाज, गेम चलाना जानते हैं, टीम की जरूरत को समझते हैं भैया, लेग एम्पायर के पास से भी हट जाओ सब भाई, एक दूसरे का बुरा मत मानो, बहुत बहुत टूर्नामेंट होना, हट जाओ, हट जाओ भाई, कमेटी के सभी सदस्य यहाँ आ जाए लेग एम्पायर के पास भाई, एक निष्पक्ष टूर्नामेंट जिसमें कोई भी किसी को भी दिक्कत ना होनी चाहिए, चाहे टूर्नामेंट फाइनल हो या क्वार्टर फाइनल। तो जो भी दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ेंगे बाउंड्री के बाहर, तो शान लगी की तरफ से 2.25 लीटर का कोल्ड ड्रिंक। जी हाँ भैया, फाइनल है 8 नवंबर समय, फाइनल है। बेहतर वर्सेस बेहतर का मुकाबला, पीछे हटो, पीछे हो जाए, कोई बात नहीं, पीछे हो जाए, बाउंड्री से पीछे हो जा सर, तो बिल्कुल जर में डाली गई थी बॉल, एक रन दिक्कत, भाग जाएंगे बल्लेबाज, एक नहीं दो नहीं, पैन वक्त पे दोनों बल्लेबाज अपने अपने क्रीज के अंदर गए, SPL आखिरी पड़ाव पे आ पहुंचा ये टूर्नामेंट, अंतिम दिन है आज, और दर्शक देखिए और फाइनल में जमशेद कुरैशी का आगमन हो चुका है, और जो कि अपने इनामों से इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाए हुए हैं, वो जनाब पहुंच चुके हैं इस मैदान पे। भाई शेयर करिए सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें भाई, क्रिकेट लवर अलीगढ़ ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, शेयर करें भाई सभी लोग, बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट है भाई, किसी की वीडियो क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो अपने पिक्सल बढ़ा ले। 3.4 ओवर क्वालिटी जरा सी भी खराब हो तो मुझे फौरन बताएं। अलीगढ़ की टीम और सामने है नाजिम के वर्सेस नाजिम का मुकाबला, बॉल के हाथों से टहलाया है, 2 रन भागना चाहते हैं, नहीं रन आउट नहीं, बच गए, पहुंच गए, ओ बहुत बड़ा ये प्रिस्की वाला रन था, वो बाल बाल बचे हैं जनाब, रन आउट होते होते अगर डायरेक्ट थ्रो होता, बेहतर थ्रो होता तो फिर नाजिम अली का काम तमाम था। तीन 3.5 के बाद 37 पे एक, अब सही आ रही है, बताओ वो जमशेद कुरैशी की तरफ से हर विकेट पे 100 रुपए का इनाम और हर छक्के पे 100 रुपए का इनाम, वो ये स्लोअर डिलीवरी की बॉल थी, अच्छी बॉल पैर पे जाके लगी है, डॉट बॉल के साथ चौथे ओवर की हो गई समाप्ति, 4 के बाद 37 पे एक, अलीगढ़ की टीम अब यहां से बचे हैं 36 बॉल का खेल, यहां से बचा है शेष, और अब यहां से आगे का आंखों देखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर आसिफ की जुबानी सुनिए। चार ओवर 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पे अलीगढ़ का स्कोर, बिग फाइनल सभी दर्शकों को बता दूं, फाइनल मुकाबला है ये, 4 ओवर में 37 रन 1 विकेट, 10 ओवर का ये मैच है, सभी दर्शकों से अपील को बिल्कुल शांति बनाए रखें, दूर से ही मैच का मजा लें, कोई भी दर्शक मैदान के अंदर ना आए, और दोनों ही टीमों को इसीलिए 3-3 रिव्यू दिए गए हैं, अगर किसी भी बॉलर को या बैट्समैन को कोई शिकायत है तो एम्पायर के फैसले के भी खिलाफ जा सकता है, वो रिव्यू ले सकता है, लेकिन दर्शक अपनी जगह बनाए रखे, अलीगढ़ की टीम का भी शानदार शुरुआत कहूंगा,
चार ओवर में 37 रन एक विकेट से धीरी शुरुआत करूं कहूंगा। 10 ओवर का ये मैच है और मनोज शर्मा चीफ गेस्ट आ रहे हैं, मनोज शर्मा हमारे बीच मौजूद। वही वाह, मजा आ गया मेरे दोस्त। इस टूर्नामेंट की आन और शान बहुत खाली चरण प्रसेंट। भैया सभी से गुजारिश करूंगा कि वे स्टेट को खाली कर दें। सभी बच्चों से कहूंगा ये और दोनों ही अंपायर सुन ले, वो मैच को जल्दी लारा तुम चले जाओ अंपायरिंग के लिए। और मनोज शर्मा हमारे बीच में आ चुके हैं जिन्होंने काफी शानदार सपोर्ट किया इस टूर्नामेंट के लिए। दोनों ही अंपायर सुन ले, लारा नेम लगी, वो मैच को कंटिन्यू कराने की कोशिश करें। बहुत पब्लिक है, ज्यादा लेट करना भी सही नहीं है। सरफराज मैंने कह दी हमारे एसपीएल नाइट क्रिकेट के काली चरण प्रसेंट, इस टूर्नामेंट के ऑनर मनोज शर्मा हमारे बीच मौजूद हो चुके हैं, उनका हम तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। बहुत जोरदार तालियां। दोनों ही अंपायर इस बात का ख्याल रखें, लारा लारा 10 बैंडेड मंगा लें, खिलाड़ियों को चोटिल होने की संभावना है। 10 बैंडेड। और हमारे शिकारपुर के एसपीएल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के ऑनर खाली चरण प्रेसिडेंट मनोज शर्मा हमारे बीच मौजूद, हम उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। वो मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा उनके तालियों के साथ स्वागत करें। भाई वाह, मजा आ गया मेरे दोस्त, कहीं जाइएगा नहीं। प्रेजेंट्स बाय काली चरण स्वीट्स, जिनके ऑनर हमारे बगल वाले स्टेज में विराजमान है। और चार के बाद प्रज्वल के हाथ में बॉल है, पहली बॉल, और पहली बॉल हल्के हाथों से टहलाया है, फ्रंट फुट ड्राइव, और दो रन भाग जाएंगे। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज के बीच में। स्कोर बोर्ड को चलाना जानते हैं, चौके छक्के से नहीं, वो सिंगल से भी थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होता है बल्लेबाज का। प्रज्वल अच्छा तेज डालते हैं, गति है इस लड़के के पास। नहीं, एक बार फिर वो रिवर्स बाद, एक बार रन आउट, चलिए बच रहे थे रन आउट से, लेकिन इस बार नहीं बचेंगे। बहुत बड़ी विकेट। हम उनका तय दिल से अर्शुखान आ गए हैं, अब हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक और झटका रन आउट के रूप में, दो विकेट 39 पे गिरा ये दूसरा विकेट। दो ओवर, दो विकेट हो गए, बहुत सारे बचे इस ओवर के बाद, 5 ओवर का खेल शेष रह जाएगा। लेकिन नाजिम भाई साहब को थोड़ी सी जल्दबाजी थी, लेकिन अब अफसोस करना होगा ड्रेसिंग रूम के अंदर जाके। एक एक रन के चलते आप अगर रन आउट हो जाते हैं तो फिर ये चिंता का विषय, बहुत नासमझी वाली तो बात है। डीप स्क्वायर लेग की तरफ बॉल जा रही है, एक तो पूरा कर लिए एक ही रन से, सब्र करना होगा बल्लेबाज को। लोकेश मीना जिस रवैये से बल्लेबाजी करते हैं वो अभी लय में दिख नहीं रहे हैं। ये सामने की तरफ, चलिए पकड़ लिया कैच, बहुत बड़ी विकेट लोकेश मीना। ये भी जनाब चले गए मैदान से।
उनके ऊपर से मारने का प्रयास, कनेक्शन ठीक ठाक हुई नहीं और फिर लोकेश मीना का कनेक्शन टूट चुका है मैदान से, तीसरी विकेट गवा चुकी है अलीगढ़ की टीम। तो 40 पे गिराई तीसरा विकेट, भीम गए बल्लेबाजी करने, दो नए बल्लेबाज अर्शु खान और भीम की जोड़ी। सामने है गेंदबाज प्रज्वल, शुरुआत वो खराब हुई अलीगढ़ की टीम की, वो बेहतर शुरुआत हुई है खुर्जा के गेंदबाजों की। इस ओवर में दो दो विकेट गिर गए, दो सेठ बल्लेबाज मैदान के बाहर पहुंच गए। बहुत तेज गति से डाली गई बॉल, बल्लेबाज को शायद दिखाई भी नहीं दी, हर बॉल पे वो रोमांच बढ़ेगा क्रिकेट का। तो दर्शकों की गूंज से आज ये स्टेडियम, दर्शकों की शोर से ये गूंज उठेगा स्टेडियम। और फिर देखिए और बगल वाले हमारे स्टेज पे काली चरण स्वीट्स के ऑनर मनोज शर्मा जी मौजूद हैं और इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। और शॉट अच्छा है, डीप एक्स्ट्रा कवर में फील्डर तैनात है, एक ही रन से संतोष करना होगा बल्लेबाज को। और पांच के बाद 41 पे तीन अलीगढ़ की टीम। अब यहां से बचे आधे ओवर का खेल, मतलब पांच ओवर का खेल, 30 बॉल का खेल यहां शेष। तीन विकेट है अलीगढ़ के हाथ में। अब यहां से आगे का आंखों देखा लासी भाई सुनाएंगे। हर विकेट पर जो इनाम की बौछार रखी है नईम गाजी ने, 100 रुपए रखा है अगर कोई भी बॉलर विकेट लेता है खुर्जा क्रिकेट क्लब का। और इरशाद छतारी वालों ने हर विकेट पर, हर छक्के पर, विकेट पर 200 रुपए रखे हैं इरशाद छतारी ने, छक्के पर 100 रुपए। और कमेटी ने बताया कि कोई भी इनाम रखेगा वो लाइव रखेगा छक्के और विकेट पर। कोई तीन छक्के का हैट्रिक का कमेटी ने आज इनाम के लिए मना कर दी है, क्योंकि बल्लेबाज उस इनाम तक मुश्किल से पहुंच पाता है। अगर किसी भी इनाम को देना होगा तो हर छक्के पर हर विकेट पर इनाम रख सकता है कोई भी। हाँ बिल्कुल, भूटानी पंपा में था। और जमशेद कुरैशी की तरफ से भी हर छक्के पर और विकेट पर 100 रुपए का इनाम है। भाई वाह, अमित और उठाकर खेल दिया लगी वहां पर अच्छी फील्डिंग, एक रन दौड़कर दोनों ही ने पूरा करा। अमित प्रजापति और योगा की तरफ से हर छक्के पर विकेट पर 200 रुपए का इनाम है। अरे बोले हो तभी तो सुनो किसी की। और एक पारी खत्म होने के बाद इनामों को जमा कर जाए, किस बल्लेबाज ने कितने रन मारे, एक समय लग रहा था। सुखान है स्ट्राइक पे, सुखान है स्ट्राइक पे भैया, बहुत जबरदस्त बल्लेबाज है, आप देखना ही है अलीगढ़ या खुर्जा। विकेट लिए उन्होंने इस ओवर में और अच्छी बॉल, बहुत ही शानदार बॉल। फिरुजल जो इस टूर्नामेंट के सबसे शानदार हीरो रहे, जिन्होंने खुर्जा क्रिकेट क्लब को फाइनल में पहुंचाया, एक समय ऐसा लग रहा था सुपर ओवर हो रहे थे, लेकिन फिरुजल ने आकर दो बॉलों पर दो विकेट निकाल के एक आसान सा टारगेट खुर्जा के लिए एक रन का मात्र था। और खेल गया थर्ड मैन की तरफ, फील्डर वहां पर दौड़ लगा रहे हैं, नहीं देखना ये अंपायर का इशारा ना बाकी। और ये चार रन काफी देर के बाद ये चौका लगा इंडिया। बॉल कितनी हो गई, तीन तीन बॉल हुई।
और अच्छी बॉल, अपील वहां पर, लेकिन दीपक लारा काफी मजे हुए एम्पायर, उन पर कोई प्रभाव नहीं। आपको बता दूं तीन तीन रिव्यू रखे गए हैं, कोई भी टीम को अगर एम्पायर के फैसले से ना खुश है तो वो रिव्यू ले सकता है, जिसने के खुर्जा क्रिकेट क्लब ने अपना एक रिव्यू गवा दिया है। जबरदस्त ये मैच चलता हुआ, प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ दर्शकों को पीछे करता हुआ, कोई भी खिलाड़ी को कोई परेशानी है वो रिव्यू भी ले सकता है। जीशान लेफ्ट हैंड ओवर राउंड द विकेट और खेल लिया है, बहुत ही तेज शॉट, तो फील्डर वहां पर तोड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा करा। रात को बता दूं मेरे साथ कामरान भाई, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में कॉपीराइट आती है, आज उनका भी लास्ट दिन है, कल उनकी बिहार से बुलवाए गए हैं। जिस भाई को भी इनकी शानदार कमेंट्री लगी हो, कुछ उनके लिए भी इनामों की बौछार कर सकता है, कोई भी दर्शक सीधा हमारे कमेंट्री बॉक्स में। क्रिकेट लवर अलीगढ़ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। छक्के का इनाम नहीं है आज, हर छक्के पे इनाम बोले क्या रुपए देने हैं, रामपुर वाले को बुलाना था। जीशान सामना करेंगे भीम, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट और उठाकर मारना चाहते थे, चूके गेंद सीधी विकेट कीपर के पास, रन बनाने का कोई मौका नहीं। मेरे साथ ही आकिब मलिक बताए स्कोर क्या हुआ, 6 ओवर की समाप्ति, 47 रन 3 विकेट। अलीगढ़ को अगर यह मैच जीतना होगा तो उनको 80 रन तक स्कोर तक ले जाना होगा, अगर खुर्जा को यह मैच जीतना होगा तो उनको जल्द से जल्द विकेट निकालने होंगे। पूर्वजल जो शानदार इस टूर्नामेंट की जितनी तारीफ करूं इतनी कम, इतना अच्छा खासा पेस उनके पास, बहुत ही शानदार मैदान में मेसे कंटिन्यू। आउट कराया, दो झटके दिए अपने ओवर में और अलीगढ़ थोड़ा बैक फुट पर नजर आती हुई। भैया थोड़ा साइड हो जा, आदेश भाई यहाँ खिलाड़ी बैठे हैं अलीगढ़ के, थोड़ा सा आगे पीछे हो जा, कोई बात ना, थोड़ा सा आगे पीछे हो जा, घूम लो थोड़ा कमेटी के साथ में। सामना करेंगे अर्शु, बॉल आ रहे पूर्वाचल, राइट हैंड ओवर द विकेट और बॉलर खेल रहे हैं, बहुत ही लंबा छक्का, बहुत ही शानदार एम्पायर का इशारा, 6 रन, पहला छक्का लगाया अर्शु ने यहां पर। इन 6 रनों के स्कोर बढ़कर हुआ है, छक्का लगा है लेकिन वन बाउंस की कॉल है, रन हो चुका है शानू भाई। सातवां ओवर की क्रिकेट और ये अंपायर का इशारा वन बाउंस का, आपस में दोनों ही अंपायरों ने मशवरा करा और वन बाउंस का भी इशारा दिया, बहुत ही लंबा छक्का लगाया अर्शु ने। अलीगढ़ क्रिकेट क्लब जो काफी देर से खामोश थी, वहां पर अर्शु खान ने एक छक्का लगाया और वो हर छक्के पर 100 रुपए का भी इनाम इरशाद छतारी वालों की तरफ से, और देखना ये फायदा उठा पाते हैं या नहीं अर्शु खान, अर्शु मुरादाबादी, फ्री हिट वाली बॉल, बल्लेबाज जहां चाहे मार सकता है और चांस हो सकता है वहां पर, बहुत ही शानदार फील्डिंग करी वहां पर। आपस में कुछ डिस्कस करते रहे दोनों ही एम्पायर, बल्लेबाज अब शांत रहे वो एम्पायर का काम है। सभी दर्शक शांत रहे, सभी दर्शक शांत रहे, बिल्कुल भी कोई दर्शक ना बोले, अभी एम्पायर का डिसीजन आना बाकी है। दर्शक सभी शांत रहे मेरे दोस्त, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है और आपको बता दो हमारे सीधे
स्टेज पर लग चुकी है चमचमाती हुई ट्रॉफी। बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर। केस नो बॉल फील्ड हिट पर एक ही रन है भैया। बहुत ही शानदार फील्डिंग वहां पर फील्डर के द्वारा। एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद यह छक्का है, लेकिन वहां पर शानदार फील्डिंग और दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा करा। बहुत ही शानदार फील्डिंग भैया, छक्का रोक दिया है यहां पे। ऐसा ही कुछ मनोरंजन के और सभी दर्शकों से कहूंगा वो शांति बनाए रखें, बिल्कुल आराम से मैच देखें। हमारे बीच प्रशासन भी मौजूद है जो मुस्तैदी के साथ इस मैच का मजा ले रहा है। स्कोर बताया कि मेरे साथी 57 रन का स्कोर हो चुका है। क्या ओवर? सातवां ओवर चलता हुआ 57 रन का स्कोर है। 3 विकेट आउट हो चुके हैं भैया। यहां से भी हटे ये जो सभी दर्शक है यहाँ पर, ये भी हटे प्लीज मेरे भाई मेरे दोस्त। 57 है स्कोर। फिरुजल सामना करेंगे और उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन चूके दौड़कर फील्ड दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा करा। स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन का स्कोर। सातवां ओवर की गति पर 10-10 ओवर का यह मैच है। 58 हो गया भैया, सभी शांति बनाए रखें, थोड़ा और शांति। कोई नहीं, 10 ओवर में उत्साह है मेरे दोस्त। छक्का बहुत ही शानदार छक्का अर्शुखान का छक्का इस ओवर में। स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 64 रन, 64 रन का स्कोर। बाजी और शुभान के द्वारा 64 रन का स्कोर। सातवां ओवर त्रिगति पर चलता हुआ अर्शु स्ट्राइक पर सामना करेंगे। राइट हैंड ओवर द विकेट और खेल गया स्ट्रोक ड्राइव। फील्डर की बहुत ही शानदार फील्डिंग बॉलर द्वारा। स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 65 रन, बहुत तगड़ी 65 रन का स्कोर हो चुका है यहां। सातवां ओवर त्रिगति पर चलता हुआ 65 वाले बल्लेबाज राहुल सोलंकी जो काफी नीचे बल्लेबाजी की अनुष्ठ टूर्नामेंट में, जो काफी खतरनाक बल्लेबाज भी है। और खेल लिया है लोगों की तरफ, फील्डर नाजिम वहां पर मौजूद और दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा करा। रन लेने के लिए चाहते हैं लेकिन वहां पर मने करा। 7 ओवर में 66 रन का स्कोर हो चुका है। 7 ओवर 66 रन मेरे साथी कमेंटर कामरान भाई। 7 ओवर 66 रन 3 विकेट अलीगढ़ ने कोचित के पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बनाया है। 7 ओवर में 66 रन 3 विकेट ये मुकाबला है मेरे दोस्त। 10-10 ओवर का कहीं चाहिए ना कहीं, क्योंकि ये इसमें मुकाबला नहीं महामुकाबला है। शुक्रिया आसिफ। 7 के बाद 66 पे 3 टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। आगाज तो उतनी बेहतर हुई नहीं है, लेकिन इस दोनों बल्लेबाज के बीच में एक बेहतर पार्टनरशिप पनप रही है। अर्शु खान पिछले ओवर में वो कमाल का छक्का जरा था सामने की तरफ डाउन द ग्राउंड। और जीशान जोंटी शायद इनका आखिरी ओवर होगा और बहुत बड़ी ओवर है ये। पहली बॉल रिवर्स मारने का प्रयास, अपील और अब मैन अंपायर वो स्क्वायर लेग अंपायर के पास जाएंगे सलाह मशवरा करने के लिए क्या ये बॉल सही में बल्ले का किनारा लिया है या नहीं।
एसपीएल थर्ड एम्पायर के लिए ये निर्णय दिया है। एसपीएल प्रेजेंट्स बाय कालीचरण स्वीट्स, जिनके ऑनर है मनोज शर्मा। नाजिम भाई वो हमारे बीच मौजूद है, बगल वाले स्टेज में विराजमान है। दोनों ही एम्पायर ने थर्ड एम्पायर को डिसीजन पेंडिंग किया है, तो देखना बाकी है क्या निर्णय होगा, क्या बल्ले को ये एज लिया है या नहीं लिया है। किसी तीर में आपके बीच ये डिसीजन होगा। थर्ड एम्पायर बड़ी बारीकी से इस डिसीजन को देखते हुए, और हमने थर्ड एम्पायर भी बड़ी दूर से बुलाया है। जमशेद कुरैशी की तरफ से हर एक विकेट पे ₹100 का इनाम। साइलेंट मेरे दोस्त, एम्पायर का डिसीजन मेरे दोस्त। एक और रिव्यू लिया था गेंदबाज, थर्ड अंपायर की तरफ गए थे और सॉरी अंपायर ने रिव्यू लिया था, वो थर्ड अंपायर का फैसला आया है ओ यूटी आउट का। टीम अंपायर से बहस मत करें, रिप्ले में आपको साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि आप आउट हैं। ये थर्ड अंपायर का फैसला आ चुका है। डिसीजन से बल्लेबाज नाखुश है, उन्होंने भी रिव्यू लिया है। एक बार फिर थर्ड अंपायर की तरफ ये डिसीजन गया। ले सकते हैं बल्लेबाज रिव्यू, ले सकते हैं भाई रिव्यू। ये अंपायर ने डिसीजन दिया था, इसमें बल्लेबाज रिव्यू ले सकता। बल्लेबाज ने रिव्यू लिया है, अब एक बार फिर थर्ड अंपायर के पास ये डिसीजन गया है। देखना बाकी क्या निर्णय होगा। जब पहली बार तो रही एम्पायरों ने थर्ड एम्पायर के बाद डिसीजन दिया था, तो बल्ले एम्पायर ने थर्ड एम्पायर ने उसको आउट दिया था। एक बार फिर बल्लेबाज ने रिव्यू लिया है, देखने ये बाकी है कि ये डिसीजन फिर से पेंडिंग में है, क्या होगा इसके निर्णय। एक बार फिर हम थर्ड एम्पायर की तरफ गए। अंपायर वही चेंज कर लोगे, अंपायर तो थर्ड एम्पायर वही है ना, उसका डिसीजन पहले होगा वही आखिरी होगा। अब बल्लेबाज को एक बार फिर थर्ड अंपायर ने आउट किया है। आउट ओ यूटी आउट। और 66 में गिरा ये चौथा विकेट। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला। अब यहां से करीब आपको 3 ओवर का खेल बाकी है, करीब 30 से 35 रन बनाने होंगे अगर बेहतर स्कोर की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं तो। ईशान जोंटी पहली बॉल पे मिल गई है सफलता, भीम को किया है चलता। और दूसरी बॉल, एक और अच्छी बॉल, गोल लाइन पे पटकी गई बॉल, हल्के हाथों से ड्राइव किया था सोलंकी ने,
और गेंद फील्ड हुई है गेंदबाज के द्वारा। इस ओवर के बाद मात्र 12 ही बॉल का वो खेल बाकी रह जाएगा। दो बॉल, तीसरी बॉल, दूर से मारने का प्रयास, एक वाइट का इशारा अंपायर का, गोले से पट्टी में बॉल। मोटरसाइकिल हटा ले मेरा दोस्त, गेट के सामने से हटा लो मेरा भाई, गेट के सामने से हटा लो, क्योंकि पुलिस वाले की ये गाड़ी जो है वो थोड़ी आने में अंदर दिक्कत हो रही है भाई, हटा लो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग। जिशान जोन पीन का जो स्लोअर गिनता है, बल्लेबाज के दिमाग से कहीं दूर, दो रन लेना चाहते हैं और कामयाब हो जाएंगे। सात दशमलव तीन ओवर के बाद 69/4 अलीगढ़ की टीम। जिशान जोंटी इस ओवर में बल्लेबाज को खामोश करके रखा है, नहीं आसान नहीं है इनको खेलना। अब सामने से जब बॉल बाहर की तरफ जाती है तो फिर मुश्किल सा सवाल पैदा करती है बल्लेबाज के लिए, और कठिन सवाल पूछ रहे हैं बार बार जिशान, और जिसका जवाब अभी तक से अलीगढ़ के बल्लेबाज के पास है नहीं। अंतिम बॉल पे भी हल्के से टहलाया है, बॉल पॉइंट की तरफ गई है और एक ही रन से संतोष करना होगा बल्लेबाज को। एक और बॉल है अभी, तो इस ओवर की अंतिम बॉल अर्शु खान मैदान पे मौजूद है। पिछले ओवर में दो बड़े बड़े हिट निकले थे इनके बल्ले से, ये शॉट लेकिन ये दीवार में जाके टकराई है, एक रन आया है अंतिम बॉल पे। 8 के बाद 71/4 अब यहां से बचे हैं दो ओवर का खेल, 12 बॉल का खेल यहां से शेष। और नाजिम अली के बाद में कप्तान ने सौंप दिए बॉल, और जिशान जोंटी की बात करें, हमारे स्कोरर आकी मलिक बता रहे हैं 3 ओवर 18 रन और 1 विकेट, अरे वाह कमाल की गेंदबाजी। इस टूर्नामेंट के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर गेंदबाज नाजी मलिक, उनका 1 ओवर अभी बाकी है। शायद ये सेकेंड लास्ट ओवर यही गेंदबाज डालेंगे। यश चौधरी जो है वो मूला ही चाचा है मेरे हिसाब से, तो अगर मैं गलत भाई, जो भी दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ते हैं, नहीं तो अशोक भाई आपके ऊपर चालान कटेगा और आपके ऊपर पेनल्टी भी रखी जाएगी। यार केशव भाई बहुत बहुत सॉरी है यार, मैंने सबसे ही कह के देख लिया था किसी ने हाथ खेल लिया दोस्तों। और जो भी दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ेंगे, कपिल भाई शाल लगी की तरफ से 2.25 लीटर का कोल्ड ड्रिंक। नाजी पल्ली इनका अंतिम ओवर है और डेथ ओवर में बल्लेबाज चाहेंगे रन बनाने के लिए, और मजा आएगा इस ओवर में क्योंकि अर्शु खान छक्का, पहली बॉल 6 रन का गजब शॉट, बहुत जबरदस्त हिट, पहली बॉल पे छक्का, म्यूजिक बाद है तो बॉल।
विकेट पर। इरशाद छतारी वालों की तरफ से भी 100 रुपए का इनाम है। जमशेद कुरैशी भाई जरा एक बार शेयर कर दें, 1000 हो जाएंगे सभी लोग। काफी रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज, कोई भी बल्लेबाज अगर एक छक्का मारता है तो उसके लिए कम से कम 400 सभी लोग एक बार शेयर कर दें भाई, एक लोग एक बार 3 छक्के लगाकर खेल रहे हैं, सभी लोग एक बार शेयर कर दें भाई ज्यादा से ज्यादा। अर्शु की बात करें 28 रन बना करके ये जनाब बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस लड़के का अंतिम ओवर तक टिके रहना वो बेहतर है अलीगढ़ की दृष्टिकोण से, लेकिन खुर्जा के दृष्टिकोण से ये एक और छक्का, एक और से ओहो क्या छक्का है भाई, अर्शु खान जबरदस्त हिट। और दो बॉल दो छक्के अर्शु खान, नाम अलग है काम अलग है, दो बॉल दो छक्के, क्रिकेट में इस बल्लेबाज का मकाम अलग है, गेंदबाज को करता है परेशान नाम है अर्शु खान। जय श्री राम, बिजनौर अर्शु खान बिजनौर, दो बॉल दो लगातार छक्के, हैट्रिक नहीं लगी, स्लोवर डिलीवरी की बॉल थी, लेग कटर डाली गई, अर्शु खान दो, तीसरी बॉल डॉट बॉल हुई है, स्कोर बताकर 83 83 पे 4 83 रन हो गया है, चौथी बॉल वाइड बार है, इस बार वाइड नहीं दी है, चौथी बॉल नहीं, ये भी डॉट बॉल है, दो छक्के खाने के बाद गेंदबाज की अच्छी वापसी, दो लगातार डॉट बॉल, वाइड बॉल का रिव्यू लिया है अलीगढ़ की टीम ने, रिव्यू लिए इस बॉल पे बल्लेबाज, एक बार फिर थर्ड अंपायर को परेशान करते हुए, और वसीम कुरैशी जहां कहीं भी हो जमशेद कुरैशी के पास आ जाए, भाई साहब भाई पानी की बोतल भेज दें, हमारे दर्शक बताएं व्हाइट है कि नहीं है, एक बोतल भेज दें साहब भाई, भाई साहब कैंटीन वाले पानी भेज दें, और एक बार फिर डिसीजन थर्ड एम्पायर के पास, बारी जीजी नजर फिर से थर्ड एम्पायर, बताएं हमारे दर्शकों को क्या हुआ, डिसीजन अभी पेंडिंग है मेरे पास, शांति बनाए रखें, इरशाद भाई भैया एक बोतल तो तीस वाली कमेटी के लिए, इरशाद भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हो, भाई साहब कैंटीन वाले और डिसीजन की पेंडिंग है, ले रहे अभी बाकी वाइट नहीं है, ये बॉल वाइट नहीं है मेरे दोस्त, शांति बनाए रखे, मजा आएगा, देखा होगा कि ये रिव्यू लिया गया था वाइट के लिए, व्हाइट के लिए गए थे लेकिन थर्ड अंपायर का डिसीजन है और राइट बॉल है, बिल्कुल राइट भाई, मैसेज में बताएं क्या व्हाइट है कि नहीं है, मैसेज बता दीजिए जरा एक बार स्लो में चेक करके पीछे अपने सभी लोग, चार बॉल 12 रन आए हैं, लास्ट की 8 बॉलें मची हैं, यहाँ से 8.4 ओवर के बाद 83 पे 4, तो नाजी मलिक दो छक्के खाने के बाद दो लगातार डॉट बॉल, तो बल्लेबाज का सिर्फ एक ही रिव्यू बचा है, तो ये गेंदबाज वापसी करना जानते हैं, पांचवी बॉल छक्का,
और 6 रन लेग स्टंप पर 6 रन और छक्का दर्शकों से मंगवाई नी पड़ेगी बॉल इस ओवर का तीसरा छक्का रोकने की लेकिन उनके पहुंच से काफी दूर शेयर कर दीजिए भाई सभी लोग शेयर कर दीजिए प्लीज एक तीन छक्के लगा चुके हैं यहाँ पे इस मैदान पे भाई शान भाई भाई पानी की बोतल भेज दो बहुत महंगी ओवर इस ओवर की दरकार थी तलाश थी इस ओवर की अंतिम बॉल नाजी वाली डेथ ओवर स्लॉक से मारने का प्रयास डॉट बॉल हुई है ओवर नो के बाद और नौ के बाद 89 पे 4 अंतिम 6 बॉल का खेल है बाकी फाइनल मुकाबले की पहली पारी का ये लास्ट ओवर दोस्त पारी के बाद कहीं हिले दो ना और दिल्ली सुरेंद्र की तरफ से अर्शु के लिए 500 रुपए का इनाम भाई पानी की बोतल में दिल्ली सुरेंद्र सीबीआई की तरफ से अर्शु की बल्लेबाजी के लिए 500 रुपए का इनाम अर्शु अलीगढ़ की तरफ से जितने भी बल्लेबाज थे वो बिखर गए छह बॉल है फर्स्ट इनिंग की 6 बॉल है सिर्फ यहाँ से भाई प्लीज इतना शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए सभी लोग 940 लोग हैं लाइक कर दीजिए भाई सभी लोग लाइक करें गेंदबाज बलराम और पहली छक्का राहुल सोलंकी बॉल बाउंस प्लीज बॉल फेंक दो पहली बॉल छक्का जबरदस्त बैटिंग भाई राहुल सोलंकी डेथ ओवर में अच्छा रन बनाते हैं बहुत रन इनके बल्ले से निकलती है छक्का छूटता नहीं विकेट गिर गया है भाई विकेट गिर गया 25 लोग और शेयर कर दीजिए भाई 1000 हो जाएंगे प्लीज सभी लोग 25 लोग और शेयर कर दीजिए पारी थी विस्फोटक थी यादगार थी और
और काना जाट आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। काना जाट तो काना अगर इस बॉल पे छक्का जड़ते हैं तो ₹500 का इनाम, ₹500 वाली बॉल नहीं, यहाँ तो बल्ले में बॉल भी नहीं लगी है। अर्शु खान अब स्ट्राइक पे, वाइट का इशारा अंपायर का। बहुत जबरदस्त यहाँ पर मैच होते हुआ रिव्यू ले रहे हैं अंपायर और रिव्यू सिस्टम बाकी है एक बार का। नहीं 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 यार प्लीज दो लोग, कोई भी दो, शतक हो गया है पूरा, कोई भी दो, कोई भी दो भाई, कोई भी वन के प्लीज 998 भाई जबरदस्त है यार, बहुत ही जबरदस्त है, क्राउड क्राउड है, प्लीज भाई प्लीज सभी लोग 998 और 998 लोग थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही जबरदस्त मैच यहाँ पर, क्रिकेट लवर अलीगढ़, क्रिकेट लवर अलीगढ़, क्रिकेट लवर अलीगढ़। मैंने बनाई नहीं इसकी वीडियो, दिखाओ यूट्यूब दिखाओ, जिसने इनाम की घोषणा कर रखी है वो हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, एक पारी के बाद बल्लेबाजों को पैसे दिए जाएंगे जिसने छक्के मारे हैं और जो बॉलर है उनको भी दिए इस पारी में। अभी रुको एक बार, करीम भाई बॉल थोड़ी देगी और सीधा ही करना चाहिए, बॉल उसमें बॉल सेकंड नाम है वाइट पे, एक बार पे डिसीजन थर्ड अंपायर की तरफ गया है, लेने अभी थर्ड अंपायर की तरफ से बाकी दर्शकों में उत्साह, अरे ये रहना यार उमंग इसे देख लो, वो तो लगाते खेलते नहीं आके, हम तलकन को महसूस कीजिए भाई, सभी दर्शक संयम बनाए रखें आपके लिए ये टूर्नामेंट, दर्शक हमारी शाम को थर्ड अंपायर का डिसीजन आया है व्हाइट का, व्हाइट का नहीं था रनआउट का लिया गया था, रनआउट नहीं है और अंपायर का डिसीजन व्हाइट अर्शु खान यहाँ पर एम्पायर, थर्ड एम्पायर जो है हमारे बिली वार्डन इनसे बात कर रहे हैं सिलसिले की। इस बोलो भाग के भी एक रन लिया इन्होंने, वाइट तो है नहीं लिया भाग के रन, एक रन वाइट का ही है, अरे लिया दिखे भाग के एक रन, ठीक है दो रन लगेंगे, ठीक है भैया तो चुप रहे भाई, भाग के एक रन लिया था वाइट का प्लेयर थोड़ा 101 पे जा पहुंची अलीगढ़ की टीम, स्कोर हो गया है 1-0 पे, चार बालिया खेल है शेष सामने अर्शु खान, लेकिन एम्पायर ने वन बाउंड से ओवर में आगे तो पहले लास्ट बॉल देखा, इस बॉल को भी स्टैंड में छहरा अर्शु खान छक्का लगा दिया है ना पे बल्लेबाज का अर्शु खान, ओहो वाला बैटिंग यार अर्शु। और यार क्या बैटिंग है अर्शु खान, अर्शु खान कोई भी दर्शक ऐसे मैदान में ना, प्रशासन बिल्कुल मौजूद है भाई, मनोरंजन हम तो गली बॉल पे छक्का था 500
शानदार बल्लेबाजी करी। अगर एक और छक्का लगाते हैं तो 1100 रुपए। क्या नाम है? नाम बॉल कितने हो गए? हाथ से पाई बॉल कितने हो गए? बॉल कितनी हो गई इस ओवर की? चार बॉल है, चार बॉल है, दो बॉल बाकी इस बारी की, दो बॉल। चलो कौन हैट्रिक? हैट्रिक पे बल्लेबाज अंशु खान जब तक रहेंगे मैदान में। भैया चार हुई है, पांच मैच रोक के रखे। पांच बॉल हो गए, पांच इस पारी की अंतिम गेंद, अंतिम बॉल। और हैट्रिक, हैट्रिक पे बल्लेबाज गई और एक तो भाग लिए, दो भागना चाहते हैं। अंतिम बॉल पे ये टेक्निक है कि आप दो के लिए भागेंगे। और फर्स्ट इनिंग के स्कोर है 10 ओवर की समाप्ति के बाद। ओवर में अलीगढ़ की टीम ने जड़ दिए 115 का स्कोर है 10 ओवर में। उनकी टीम को हुए जड़ दिए 10 ओवर में 114 रन। शुरुआत बेहतर नहीं हुई थी, एक तरफ से विकेट वो थमने का नाम नहीं ले रहा था, फिर अर्शु खान आए और अर्शु खान छाए मैदान के चारों तरफ। हेलो, और जबरदस्त छक्का लगाए आज फाइनल का अलीगढ़ और खुर्जा के बीच के फाइनल का मुकाबला। अलीगढ़ का पहले बल्लेबाजी करते हुए 114 रन बनाए 60 बॉल में और खुर्जा को चाहिए 115 रन। और बल्लेबाजी करेंगे शाबाद और नॉन स्ट्राइक पे होंगे प्रिवेजल, बॉलिंग के तैयार आकाश 115 रन के टारगेट 60 बॉल में। 1 2 3 60 बॉल 115 रन आकाश नई बॉल के साथ। वो पहली बॉल शहबाज के लिए नहीं, टाइट रन था और पूरा कर लिए रन। एक नहीं यहां तो दो भाग गए हैं। और नहीं, वो अंपायर का डिसीजन आया है कि एक ही रन मिलेगा शहबाज को और उनकी टीम खुर्जा को। तो एक रन के सहारे शहबाज का भी खाता खुला है और खुर्जा की टीम का भी। 60 गेंदे 114 रन, एक समय ऐसा लग रहा था कि 70 से 80 रन बनेगा, लेकिन अर्शु खान ने कहा जब तक मैं जीवित हूं। और फिर कहना वो ये दूसरी बॉल लेग स्टंप से बाहर, अंपायर की बाहें फैल जाएगी, वाइट का इशारा अंपायर नईम लकी के द्वारा। इस टूर्नामेंट में ये गेंदबाज छाए हुए हैं, बहुत अच्छा गुजरा है इस लड़के का टूर्नामेंट। आकाश ए पी जाता इनको रास। ओ नो बॉल, ठिकाने पे तो पड़ी थी बॉल लेकिन पैर वो ठिकाने पे नहीं पड़ी है और लकीर के आगे डाल बैठे अपने पैर को आकाश। पनिशमेंट मिलेगा, मतलब फ्री हिट वाली बॉल। बाएं हाथ के बल्लेबाज को बहुत तंग करते हैं, पड़ने के बाद बाहर जाती है बॉल बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। 33% जमशेद कुरैशी की तरफ से 100 रुपए का इनाम और हर एक विकेट पे 720 पिक्सल पे सही चल रही है भाई, 720 पिक्सल। दर्शकों की तादाद अंतिम पड़ाव पे आ पहुंचा है ये टूर्नामेंट। कौन सी टीम किस पे करेगी वार आज के मैच में, किसकी बनेगी सरकार? यहाँ के दर्शक देखने के लिए बेकरार। भाई गेट के सामने सभी बाइक हटा लें क्योंकि हमारे बुलंदशहर के एसपी सिटी साहब कुछ ही क्षणों में हमारे बीच मौजूद हो जाएंगे, तो मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे सामने वाली जो स्टेज है उसमें थोड़ा थोड़ा हट जाए
जबरदस्त फाइनल है भाई, ये फाइनल मुकाबला है, सेकंड इनिंग शुरू हो गई है, 116 बनाने हैं। भाई मनीष का तो रिचार्ज कर दियो जल्दी, मैं बोल रहा हूं भाई हट जा, मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे बुजुर्ग हटो। फ्रीड वाली बॉल, फ्रीड पे क्लीन बोल्ड कर दिया है बल्लेबाज को, लेकिन विकेट से टकरा के बॉल निकल गई है, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर चौके के लिए। करने का वो खामियाजा भुगतना पड़ा है गेंदबाज को। और तीसरी बॉल, और तीसरी बॉल पे स्लो स्विंग मारने का प्रयास, लेकिन शॉट मिड ऑफ पे गेंद फील्ड हुई है, एक रन आसानी के साथ पूरा कर लेंगे बल्लेबाज शहबाज। अभी तक से इस बल्लेबाज का ये टूर्नामेंट कुछ खासा अच्छा रहा नहीं है, लेकिन आज बड़ा मुकाबला है, फाइनल का मुकाबला। आपने क्या किया पिछले मैच में वो भूल जाइए, आज अपने बल्ले से रन बनाइए। अच्छी बॉल, डॉट बॉल, लड़ने के लिए बहुत सारे रन बना के गए हैं अलीगढ़ के बल्लेबाजों ने, अलीगढ़ के गेंदबाजों ने सभी लोग लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज क्रिकेट लवर अलीगढ़, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर मैच है। और आप लोग देख सकते हैं आकाश मधावल बॉल डालते हुए, और देखिए ये अच्छी बॉल है, जल्दी से गेंद को क्लिक कर दिया, बॉल जा रही है लेफ्ट स्टंप की तरफ, एक रन मिड ऑन में जब तक गेंद फील्ड होती, बल्लेबाज दौड़ के आसानी के साथ एक रन पूरा कर लेंगे। कालीचरण स्वीट्स, पांच गेंदे में रन 1.0, व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, रिक्वायर्ड रन रेट करीब 11 से 12 के बीच का है, लाइक करिए लाइक करिए, रन चाहिए। और अगर आप 115 तक पहुंचना चाहते हैं तो एक और खतरनाक बॉल, गोल लाइन पे डाली गई बॉल, पढ़ने के बाद बाहर आई, डॉट बॉल के साथ पहली ओवर की हो गई है समाप्ति। एक के बाद नो पे शून्य खुर्जा 11 की टीम, एक ओवर नौ रन, एक ओवर नौ रन बिना किसी विकेट के, एक ओवर में कितने रन हो गए मेरे दोस्त? नौ रन। एक के बाद नो पे शून्य, एक ओवर नौ रन। अरे रुक जा तू, कोई आएगा नहीं, मैं तुझे बता रहा हूँ, बिना किसी नुकसान के मेरे दोस्त। ग्राउंड में इससे कोई आएगा नहीं, धक्का उक्का मार दे कोई, किसी का फायदा। 54 बॉल में चाहिए 106 रन, 54 बॉल 106 रन, व्हाट अ मैच, फाइनल मैच, 54 बॉल 106 रन, कुछ करना पड़ेगा आज काना के हाथ में। तो दूसरी ओवर है भैया, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें हमारे चैनल को। अलीगढ़ की तरफ से सबसे महंगे गेंदबाज अभी तक के टूर्नामेंट में, ओवर द स्टंप आए हैं, सामने बल्लेबाज शहबाज, पहली बॉल बल्लेबाज को छकाया है, लेकिन कीपर से मिसफील्ड होने के कारण वो लेग बाय के चलते एक रन पूरा कर लेंगे बल्लेबाज। ओ, 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 ओ,
क्रिकेट लवर अलीगढ़ सभी लोग देख रहे हैं। पहले से अभी तक से बाउंड्री आई नहीं है, सात बॉल का खेल हो चुका है। चैनल सब्सक्राइब कराओ यार, चैनल सब्सक्राइब। ये सिस्टम की तरफ जा रहे थे बल्लेबाज, लेकिन बल्लेबाज को फॉलो किया ताना और उनके बल्ले से बहुत दूर बॉल को डाला है ताना के। एक बार देख आओ है जाके गेंदबाजी का ये पहला डॉट बॉल। काना है भैया, काना जाट। एक बार फिर उड़ाने का प्रयास, लेकिन तभी सिर्फ खेल तो कीपर और गेंदबाज के बीच में हो रही है। बल्लेबाज से बल्ला घुमाते हैं और कोई संपर्क हो नहीं रहा बल्ले का बॉल से। अरे बिग स्क्रीन पे दिखवा दो, वो वाला कैमरा स्क्रीन पे चल रहा है। ओ शाल लकी की तरफ से दर्शकों के लिए इनाम, जो भी दर्शक बाउंड्री के बाहर कैच पकड़ते हैं तो 2.25 लीटर का कोल्ड ड्रिंक इनाम में दिया जाएगा। जाहिद भाई हेलो लोकेश, बैड बंद ना चालू भाई, स्क्रीन कैसे बंद है? शिकारपुर नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का ये फाइनल मुकाबला, अंपायर का इशारा ऐसे ही करी ने, रियाज ने करी और डॉट बॉल भाई कपिल यार मैच में बिल्कुल। भैया देखो 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 देखो, बहुत ही मजा आने वाला है भाई। ज्यादा भाई नैन गेट से सारी गाड़ी हटा दो मेरे दोस्त। तो इस बार सिर्फ एक ही रन से संतोष करना होगा बल्लेबाज को। कमाल की गेंदबाजी भाई। रामलीला क्रिकेट ग्राउंड के जो मेन गेट है इसके सामने जितनी भी मोटरसाइकिल है मेरे भाई सभी हटा लें, क्योंकि हमारे बीच कुछ ही क्षणों में एसपी सिटी बुलंदशहर पधारने वाले हैं। तो चार गेंद दे दिए मात्र 2 ही रन, कच्ची गेंदबाजी। अब बल्लेबाज थोड़ा सा प्रेशर में होंगे क्योंकि रन इस ओवर में बने नहीं है। और एक और स्लोवर रन नहीं है इन वक्त पे, प्रज्वल अपने क्रीज के अंदर आए। तो बड़ा मुकाबला, फाइनल का मुकाबला, जितने आप डॉट बॉल खेलोगे प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा। इस ओवर के अंतिम बॉल ओवर द स्टंप, सामने शहबाज। ऑर्गन लाइन की बॉल थी और इस अंतिम बॉल पे आई है मात्र 1 ही रन। एक अच्छी ओवर की हो गई है समाप्ति। 2 के बाद 12-0, 2 ओवर 12 रन। खुर्जा 11 की टीम 2 ओवर 12 रन। खेल हो चुका है
लेकिन खुर्जा के बल्लेबाजों के द्वारा अभी तक से एक भी बाउंड्री आई नहीं है। बेहतर शुरुआत हुई अलीगढ़ की टीम की। ये ओवर बहुत बड़ी ओवर हो सकती है। इस ओवर में तो विकेट गिरने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इमरान भाई सभासद उनके जो बेटे हैं हैदर भाई वो अपने घर चले जाए, उनके पापा बड़े बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। दो के बाद 12-0 आकाश पहली बॉल और पहली बॉल डॉट बॉल। एक गेंदबाज हावी हो चुका है बल्लेबाज पे। तो बड़ा मंच और इस मंच का कौन बनेगा सरपंच। वाटा स्लो बॉल यार, वाटा स्लो वन भाई आकाश माधावन। टीमों के कप्तान अगर चीफ से है कोई भी तो स्टंप बेंच नहीं मिलेंगी। दोनों टीम के कप्तान को बता दूं जो टीम जीतेगी वो स्टंप और बिल्स नहीं ले जाएगी। सामने 115 रनों का लक्ष्य और ऐसे आप बल्लेबाजी करोगे तो फिर टीम की स्थिति। ये शॉट लेकिन फील्डर तक ही पहुंची है। एक ही रन से सब्र करना होगा बल्लेबाज को। एक एक रन से वो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपने सुना जरूर है भाई पानी भेजते हैं लेकिन खुर्जा की टीम की वो एक एक रन से वो घड़ा भरने वाला है नहीं। और हमारे बीच सिटी बुलंदशहर हमारे बीच मौजूद हो चुके हैं भाई। गेट के सामने से गाड़ी हटा ले भाई बा। इस टूर्नामेंट की आन और बान शान बढ़ाने के लिए हमारे बुलंदशहर एसपी सिटी हमारे बीच मौजूद हो चुके हैं। सभी दर्शकों के सामने कहना चाहूंगा कि गेट के सामने से जितनी भी गाड़ी है वो हटा ले भाई बा। सभी दर्शक यहाँ से जगह बना ले। सभी दर्शक स्टेज के सामने जहाँ ट्रॉफी लगी है स्टेज के सामने से हट जाए। यह स्थिति यहाँ से हमारे बीच मौजूद है। भैया यहाँ से हट जाओ, थोड़ा हो जाओ साइड हो जाओ बच्चों, थोड़ा आगे पीछे हो जाओ। भाई कैमरामैन वहाँ पहुँचे। एसपी सिटी बुलंदशहर हमारे बीच में आ चुके हैं। चाकू है तुम्हारे पास भाई? स्टेज पर जाते सभी हमारे बीच भैया। सभी दर्शकों से कहूंगा ये रास्ता बना दे बिल्कुल, जो मेरे भाई बैठे हैं थोड़ा सा इधर को साइड हो। और हमारे टूर्नामेंट की आन और शान बढ़ाने के लिए हमारे बीच मौजूद बुलंदशहर सिटी के एसपी। सभी दर्शकों से कहूंगा भैया थोड़ा इधर पीछे हो जाए। मौजूद हो चुके हैं बिल्कुल साइड हो जाए। भाई भाई रुके सुरेंद्र तिवारी जी एसपी सिटी बुलंदशहर, हम उनका तय दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। एसपी सिटी अलीगढ़ दिल्ली बुलंदशहर। और इस टूर्नामेंट की आन और शान बढ़ाने के लिए हमारे बीच मौजूद सुरेंद्र तिवारी जी एसपी सिटी बुलंदशहर हमारे बीच मौजूद हो चुके हैं। आशीष भाई एक मिनट साइड, हम उनका तय दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन किए। एक मिनट के लिए गया नहीं भाई बैठा दो। एसपीएल लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट शिकारपुर कालीचरण स्वीट प्रेजेंट। सभी दर्शकों से कहूंगा वो अपनी जगह ले लें। और ये भाई वाह मजा आ गया मेरे दोस्त, अपनी जगह जगह ले लें और मैच चालू कराएं। हमारे बीच मौजूद है एसपी सिटी बुलंदशहर सुरेंद्र तिवारी जी, हम उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारे कालीचरण स्टैंड के ओनर मनोज शर्मा का जितना ज्यादा से ज्यादा मैं कहना चाहूंगा उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट चलता हुआ। आकाश लेकर आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम की तरफ से। तीसरा ओवर सामना करेंगे प्रज्वल जो काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। उनको थोड़ा खेलना होगा, चौके छक्के लगाने होंगे अगर उनको ये खुर्जा क्रिकेट क्लब को मैच जीतना है तो। सभी दर्शकों से कहूंगा वो बिल्कुल बाउंड्री के बाहर जाकर शांति बनाए रखें। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट सर जल्द हुआ गेंद और बहुत तलाश थी प्रज्वल को उनको।
की बोतल भेज दे मेरे दोस्त। बहुत ही तगड़ा मुकाबला है, बहुत ही जबरदस्त है भाई, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े हैं। और लोकेश मीना को कोई दिक्कत आ गई है वहाँ सामने की तरफ, लोकेश मीना को पूरी सुविधा है, लोकेश मीना के लिए कोई भी और आ सकता है, लोकेश मीना को जो है कोई दिक्कत आ गई है सामने की तरफ, देख सकते हैं आप। लोकेश मीना जो है अभी बॉल फील्ड करते में गिर गए थे, तो इस वजह से जो है लोकेश मीना फील्डिंग पर शायद बलराम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आगे का हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटर कामरान भाई। और बहुत ही जबरदस्त मैच है, क्रिकेट लवर अलीगढ़ आपके साथ, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी सभी लोगों से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पहले विकेट खुर्जा के, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्रिकेट लवर स्ट्रगल कर रहे थे बहुत देर से, बड़े शॉट की तलाश में थे, ज्यादा से ज्यादा डंडे में मार दिया बॉल और पहली सफलता मिल चुकी है इस लड़के को। बॉल बलराम के लिए, टहला दिया है बलराम ने एक रन के लिए। ड्राइव फील्ड होती बॉल, बल्लेबाज के पास इतना मौका था कि आसानी के साथ एक रन पूरा कर ले। अलीगढ़ वर्सेज खुर्जा के बीच मुकाबला, तीन के बाद 14 पे एक, तीन ओवर 14 रन एक विकेट, तीन ओवर 14 रन तक पहुंचने हैं, तो तीन ओवर 14 रन एक सात ओवर बचे हैं यहाँ से, अलीगढ़ आप लोगों के साथ बना हुआ है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज ही आज में मेरे को 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज मेहरबानी करके हाई क्वालिटी के साथ मैच दिखाते हैं आपको, सभी लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर रहे हैं। और जो मैंने कहा था 10,000 सब्सक्राइबर में अलीगढ़ में एक ऐसा टूर्नामेंट देखने को मिलेगा, तो वो टूर्नामेंट अगर आप लोगों को देखना है तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बहुत ही जबरदस्त बॉल में चाहिए 101 रन। मेरे दोस्तों को मैं बता दूं, सभी दर्शकों को बता दूं कि ये जो है आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अलीगढ़ के साथ मैच, और किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं, कोई भी मैसेज डाल सकते हैं कमेंट में या किसी भी तरह की कोई भी बात हो। विकेट लेते हैं तो और शिवम हाथरस की तरफ से राहुल सोलंकी के लिए, अगर इस ओवर में विकेट लेते हैं तो 2100 रुपए का इनाम। राहुल सोलंकी हैं बॉलर अलीगढ़ वर्सेज खुर्जा के बीच, ये महा मुकाबला आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अलीगढ़ के साथ, बहुत ही जबरदस्त मैच है। तीन ओवर के बाद 14 से खुर्जा 11 की टीम, शेयर करें 14 तीन तीन ओवर 14 रन एक फाइनली है, शाम में यादगार होने वाली है, शाम में शिकार को शाम में यादगार, आज की शाम दर्ज होने वाली है। तीन ओवर 14 रन एक विकेट, फील्डर आ गए हैं नाज़िम अली, राहुल सोलंकी बाएं हाथ के गेंदबाज, राउंड द स्टंप आए गेंदबाजी करने, सामने है बलराम, आपको करना होगा बहुत सारे काम। पहली बॉल पे सामने की तरफ लॉन्ग आउट पे, जब तक आकाश गेंद को फील्ड करते इतना मौका था बल्लेबाज के पास कि आसानी के साथ छोड़ को तब्दील कर ले। बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ है, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा सभी लोग। सुरेंद्र नाथ तिवारी जी जो हमारे बीच मौजूद है, चार रन की कॉल है, लेकिन आकाश की बहुत अच्छी फील्डिंग है यहाँ पर मिड ऑफ की तरफ, वो काम चलने वाला है नहीं आज के मैच में, बहुत मजा आने वाला है भाई, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्रिकेट लवर अलीगढ़, वहां तक पहुंचना है तो फिर गियर को चेंज करना होगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा आज के मैच में, छक्कों की भरमार करनी होगी, बहुत ही तगड़ा मुकाबला है ये, वरना ये फाइनल आपके हाथ से निकलने वाला है। और आप लोग देख रहे हैं बहुत ही शानदार सुपर डुपर हिट मुकाबला, बलराम एक अच्छे बल्लेबाज है, नाम बड़ा है लेकिन काम आज आपको बड़े करने होंगे, और स्ट्राइक पर आए हैं, एक और सटीक लाइन लेंथ में डाली गई बॉल, एक और डॉट बॉल,
और हर एक छक्के पे जमशेद कुरैशी की तरफ से 100 रुपए का इनाम और हर एक विकेट पे 100 रुपए का इनाम जमशेद कुरैशी की तरफ से। और हमारे मोबाइल में थोड़ी सी बैटरी कम है लेकिन मैच पूरा दिखा देंगे। और ये शॉट अच्छा नहीं है, आकाश ने पकड़ी है ये विकेट और दूसरी विकेट की हो गई है समाप्ति। दो विकेट। बाउंड्री से खुद ही समझदार हो मेरे भाई, पीछे पीछे हो जा, बाउंड्री से बहुत आ गए भाई, किसको जिता रहे, किसको सपोर्ट कर रहे हो। ओ फाइनल से फिसलती हुई खुर्जा 11 की टीम, बलराम माने के साथ शॉट तो अच्छा लगाया था लेकिन सामने कवर पे आकाश ने तैनात और जाहिद आने के साथ और छक्के से खोला ये जनाब ने अपना खाता। आक्रामक रवैये वाली पारी खेलनी होगी भाई। 800 लोग हैं, कम से कम 800 लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दें भाई। भैया प्लीज सभी लोग लाइक कर दें, सीट दे दे जो बैठे वो उठ जाए प्लीज, मेहरबानी करके सभी लोग भाई कुर्सी दे दे पुलिस प्रशासन के लिए भाई, हटे ऑफ स्टंप पे जितने भी दर्शक बैठे हैं। और आप राह में खतरे भी बहुत है, ठहरता कौन है, मौत कल आनी है आज आ जाए डरता कौन है, तेरे लश्कर के मुकाबले हम अकेले हैं, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। और लॉन्ग ऑन की तरफ खेलने के साथ एक रन पूरा कर लिए हैं बल्लेबाज, ये टशन वाला मुकाबला, दिलों को धड़काने वाला मुकाबला। भैया राहुल हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, भाग के एक बार राहुल सोलंकी अपना इनाम लेके जाए, राहुल सोलंकी भाग के आ जाओ, ले सरराज ले अपने पास कोई इनाम के लिए दे दो। बहुत ही कश्मकश का ये मैच चल रहा है, सिर्फ मैच का मजा लिया जाए, सभी दर्शकों से कहूंगा ये बार बार जो इनाम की वो करते हैं, स्कोर क्या पता। चार के बाद 23 पे 2 खुर्जा 11 की टीम, 4 ओवर 23 रन 2 विकेट। और सामने गेंदबाज भीम है, तो बॉलिंग लाइनअप भी अलीगढ़ की बहुत बेहतर है, बहुत परफेक्ट टीम है। टॉस जीतने के बाद शुरुआत बहुत खराब हुई थी लेकिन अर्शु खान ने टीम को संभाला और एक बेहतर स्कोर तक पहुंचा दिया है। और बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे ये टूर्नामेंट, दर्शक की भीड़ देगी इस टूर्नामेंट की खूबसूरती, और टूर्नामेंट की खूबसूरती वो दर्शकों से ही होता है और यहाँ के दर्शक बिल्कुल मैच का लुत्फ उठा रहे हैं अपने अंदाज में। खुर्जा 11 की तरफ से जाहिद लड़ाई करना जानते हैं, वो पहली बॉल और वाइड बॉल, वाइड का इशारा अंपायर नईम लकी के द्वारा, वो 36 बॉल में चाहिए 91 रन, रिक्वायर्ड रन रेट वो 15 का है, हर ओवर में 15 रन के हिसाब से। और ये बॉल ऊपर गई है, आकाश आकाश चलिए पकड़ लिया है कैच, जाहिद की भी पारी की हो गई है समाप्ति।
अब यहां पर किसी बल्लेबाज को ताबड़तोड़ पारी खेलनी होगी जो अपनी टीम के ऊपर से प्रेशर निकाल सके। बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ, जो भी टीम जीतेगी सीधा फाइनल, उठाएगी चमचमाती हुई ट्रॉफी और 2,01,000 रुपए का फर्स्ट प्राइज। सभी दर्शक से कहूंगा थोड़ा साइड दे दे, रास्ता बनाए दर्शक, थोड़ा सा रास्ता बनाए। बल्लेबाज आसिफ भाई हो तो हाथ उठा दे जी। आसिफ कुरैशी साहब और जबरदस्त यॉर्कर, दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ लगा दी और रन आउट का भी चांस हो सकता था वहां अगर ये डायरेक्ट हिट होती तो। भीम सामने है, शाबाज, शाबाज जो काफी देर से ओपनिंग से बल्लेबाजी कर रहे हैं, सारा दारो मदारा उन्हीं के कंधों पर आ टिका है। अगर उनको ये मैच जीतना होगा तो शाबाज को एक शानदार बल्लेबाजी करनी होगी और अपनी टीम को जिताना होगा। देखना यह है शाहबाज क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। अगर हमारे इस टूर्नामेंट की शान बढ़ाने के लिए आए थे ब्लैंड शहर के एसपी सिटी, वो हमारे बीच से जाते हुए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट रहा। भीम राइट एंड ओवर द विकेट शाहबाज के लिए, और उठाकर मारना चाहते थे, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधी बॉलर के पास। शाहबाज इलाहाबादी जो अभी तक कुछ खास कर नहीं पाए हैं, देखना ये है कि क्या कर पाते हैं, लेकिन बल्लेबाज बहुत शानदार है वो, और इनके बल्ले से एक दो छक्के निकलने की देर है, फिर देखना होगा क्या कर पाते हैं। भीम राइट एंड ओवर द विकेट शाहबाज के लिए, और यहां पर बॉल जा मैं वहां पर भीम ने बॉल फेंकी, रन आउट करते थे, बहुत ही शानदार एक रन आउट होता, बहुत ही शानदार फील्डिंग। सभी खिलाड़ियों ने भीम का हौसला अफजाई की, और आपको बता दो पर्पल कैप के जो हकदार हो चुके हैं नाजिम अली इलाहाबादी जो बहुत ही शानदार टीम के लिए पर्पल कैप के हकदार है अभी तक, और बल्लेबाजी में अर्शु खान जिन्होंने शानदार ऑरेंज कैप जीती, जिन्होंने 104 रन के आसपास मारे, दोनों ही हमारे इस टूर्नामेंट के टूर्नामेंट ऑफ द बॉलर, टूर्नामेंट ऑफ द बल्लेबाज, दोनों ही को अगर एक एक सीरीज का इनाम रखा गया है, और जो टीम फाइनल उठाएगी चमचमाती हुई ट्रॉफी और 2,01,000 रुपए का इनाम। भीम और उठाकर मारना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधी विकेट कीपर के पास। बहुत ही कश्मकश का मैच, इस टूर्नामेंट की खूबसूरती ये रही है जिसने भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की है 90% डिसीजन उसी के फेवर में गया है, और 10% कुछ ही मैचों में दूसरी टीम में चेस करके आसानी से जीत हासिल की थी। जो टीम ने टूर्नामेंट में पहले टॉस जीता वही टीम आधा मैच जीत जाती है। इस टूर्नामेंट की जान खुर्रम लकी साहब आते हुए, और उठाकर मारना चाहते थे, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, और ये वाइट का इशारा। आज के जो एम्पायर हैं दोनों ही बहुत ही शानदार, नईम लकी और दीपक लारा दोनों ही काफी मजे हुए एम्पायर हैं, काफी लंबा क्रिकेट का अनुभव दोनों को ही, नईम लकी और दीपक लारा। कश्मकश का ये मैच चलता हुआ, दर्शकों को पता है क्रिकेट बाय चांस है, अगर यहाँ पे 2-4 छक्के लगते हैं तो मैच खुल भी सकता है खुर्जा क्रिकेट क्लब की तरफ। भीम और खेल दिया है मिड विकेट की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद, एक रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर धीमा धीमा बढ़ता हुआ मेरे साथी बताएं, 28 रन का स्कोर हो चुका है, 5 ओवर है, 5 ओवर की समाप्ति पर विकेट, 5 ओवर 28 रन 3 विकेट हो चुके हैं यहां खुर्जा क्रिकेट क्लब के, 5 ओवर में 28 रन 3 विकेट। मेरे साथी आगे बताएं कितनी बॉलों में कितने रन की जरूरत, 30 बॉल 87 रन की जरूरत, 30 बॉलों में 87 रन की जरूरत है खुर्जा क्रिकेट क्लब के लिए, 30 बॉलों में काम कर देगा, इसलिए 87 दौड़ बाकी है मेरे दोस्त, 19% ही बचा, 87 दौड़ बाकी है मेरे दोस्त। बहुत ही शानदार लगान का डायलॉग याद आ गया सामू मलिक को, राहुल सोलंकी राइट एंड ओवर द विकेट, और ठगर मारना चाहते थे लेकिन बॉल और बैट का वो संपर्क नहीं जो दर्शक देखना चाहते थे और बल्लेबाज भी देखना चाहते थे, दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा करा। स्कोर बढ़ता हुआ धीमा धीमा 29 रन का स्कोर हो चुका है, अगर इनको इस मैच में कुछ
और उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन चूंकि गेंद सीधी विकेट कीपर के पास, रन बनाने का कोई मौका नहीं। शाबाज कुछ समझ नहीं पाए। 7 नंबर जर्सी है उनकी, आपको बता दूं 7 नंबर जो जर्सी है महेंद्र सिंह धोनी की है। धोनी को अनहोनी करते नाम है मेरे दोस्त महेंद्र सिंह धोनी। और खेल दिया मिड विकेट की तरफ, फील्डर वहां पर काना मौजूद, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे। 14 बॉलों में 7 रन पर खेल रहे शाबाज, जो काफी खतरनाक बल्लेबाज बताए जाते हैं, लेकिन शानदार बॉलिंग कहूंगा अलीगढ़ क्रिकेट क्लब की, जिन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी अभी तक इस टूर्नामेंट में। कोई शक्की, कोई कमजोरी गुंजाइश नहीं छोड़ी उन्होंने, हर क्षेत्र में शानदार बल्लेबाजी, बॉलिंग, फील्डिंग, जितनी तारीफ करी जाए कम, लेकिन अभी मंजिल दूर है। बीच में उनके शाबाज खड़े हैं और आसिफ, अगर उनको ये मैच जीतना होगा तो उनको यहां पर 1-2 विकेट निकालने होंगे, अगर इनको अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। और खेल दिया है फील्डर वहां पर मौजूद, छूट गया था लेकिन लपक लिया, और ये अच्छा था झटका लगता है। कंटिन्यू जाते हैं, अगर ये विकेट नहीं ले पाते हैं तो वो कमेटी करेगी, क्या करेगी देखना ये होगा। नागिन बने हैं कहीं विकेट लवर अली का, और बल्लेबाज ने बताया समीर को कहां दिखा रहे हैं। ओके समीर, जिन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में, 2 छक्के लगाकर टीम का स्कोर काफी अच्छा करा था पिछले मैच में, 3 बॉल में 3 रन खाली थे। बहुत ही शानदार मैच टूर्नामेंट सिंगापुर फर्स्ट सीजन फाइनल ला पैसे दे वापसी छोड़तेगा वो ले जाएगा मेरे दो दो लाख एक और खेल लिया फील्डर में हटा मौजूद आकाश, देखना ये ले पाते हैं या नहीं। खुर्जा क्रिकेट क्लब की टीम होती है और यह मैच खुर्जा क्रिकेट क्लब और ये हद्दार हो गए हैं, फिनिश के हद्दार हो गए राहुल सोलंकी, और जबरदस्त किया कर वहां पर बल्लेबाज कुछ समझ ही नहीं पाए, और ये क्लीन बोल्ड हो सकते थे। और राहुल सोलंकी इस टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ बॉलर, जिन्होंने 10 विकेट निकाले, बहुत ही शानदार बॉलिंग इस टूर्नामेंट में राहुल सोलंकी के द्वारा, हर खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया हर मैच के हिसाब से। सेमीफाइनल में जो बल्लेबाजी करी नाजिम अली ने करी बहुत ही शानदार, और आगे का हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटर कामरान भाई जो बिहार से बुलवाए गए थे, आज उनका भी ये लास्ट डे है। बहुत ही शानदार कमेंट्री करी इस टूर्नामेंट के लिए, इस टूर्नामेंट को खूब का हाल सुनाने के लिए। और इस टूर्नामेंट की एक और भाई 6 के बाद 30 पे 5, और खुर्जा की टीम बिखर गई है और दबाव झेल नहीं सकी इस फाइनल की मैच की। वो 114 रनों का लक्ष्य का वो बिल्कुल तरीके से दबाव झेल नहीं पाई। और बीम की पहली बॉल शहबाज, वाइट का इशारा आ चुका अंपायर का, तो शहबाज ओपन करने के लिए आए थे और अभी तक से मैदान में मौजूद है, पर अपनी मौजूदगी का
वो संदेश सामने वाले गेंदबाज को दिया नहीं है। बहुत सारे बॉल खेल चुके हैं और हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि इनके बल्ले से अभी तक से बाउंड्री भी नहीं लगी है। 16 गेंदे 5 रन। जर में डाली गई बॉल, सिर्फ सिंगल से ही संतोष करना होगा बल्लेबाज को। तो बूंद बूंद से घरा भरता है, लेकिन तो खुर्जा 11 की टीम का घरा बूंद बूंद से भरने वाला है नहीं, और रनों की बारिश करनी होगी, लेकिन हमें लगता है कि बहुत देर हो गई है। 5 विकेट, बहुत बड़ी बड़ी जो दाम थी वो आउट हो चुके हैं। वो भीम के सामने अब नाजिम, वो शॉट तो अच्छा है लेकिन लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात है काना। एक ही रन से काम चलाना होगा बल्लेबाज को। वो बहुत ही मुश्किल स्थिति में लग रही है खुर्जा 11 की टीम। वो फाइनल जिस तरीके से होना चाहिए था, लड़ाई वो बराबरी का होना पसंद करते यहाँ के दर्शक, लेकिन वन साइडेड ये बॉल उड़ती भी गई है और दर्शकों के बीच गई है। एक अरसे के बाद आया है छक्का। जर में डाली गई, रन आउट नहीं, थ्रो नहीं मारे भीम। उनचालीस रन 5 विकेट और 2 लाख इनाम की हकदार लग रही है अलीगढ़ की टीम। स्लोअर बॉल, इनको भी नहीं पढ़ पाए शहबाज। राहुल सोलंकी, तीसरा ओवर है इनका। जोर से मारा गया बॉल तो सिर्फ गेंदबाज तक ही पहुंची है। पर्पल केप के ये हकदार बन चुके हैं राहुल सोलंकी। फ्रीज इनके कब्जे में आ चुकी है। पर्पल के, ऑरेंज के सारे अलीगढ़ वालों के नाम। चलिए वाइट, बहुत देर के बाद आई है वाइट का इशारा अंपायर दीपक लारा के द्वारा। दोनों टीम के कप्तान को बता दूं, मैच जीतने के बाद ये बिल्स और किल्ली नहीं मिलेंगी क्योंकि ये किराए पे मंगाई हुई है जिनमें लाइट जलती है। अब तो हौसला वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है खुर्जा के बल्लेबाज का। ये रन आउट हो गए क्या? और
रन आउट हो गए शायद ना जीम, और फ्रीज आ गई है पर्पल के ऑरेंज के बॉलों के लिए। आज के दोनों ही नाम अलीगढ़ क्रिकेट क्लब की टीम ने, अथर क्रिकेट क्लब ने अपने नाम करे, और दर्शक से कहूंगा फ्रिज को आराम से रखवाए, एलजी की फ्रिज है कंपनी की देख लो। तो वो खेल जाए शाबाश के बल्ले से, लेकिन जब तक काफी देर हो गई मोहतरमा, काफी देर हो चुकी थी, और कमेटी ने मैसेज दिया है दोनों ही टीमें स्टंप ले सकती है, कमेटी कह रही है चलो बाकी बात है, और शाबाश के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। भैया अभी अपने पास से मत कहो, मेंबर साहब ने कहा चलाओ, ना मना कर रहे, नो नेवर। और आपको बता दूं ये देखिए क्या शानदार टूर्नामेंट हुआ आपकी शिकारपुर की सरजमी पर, फ्रिज भी दिए तो कंपनी की एलजी की फ्रिज देखिए। भैया दर्शकों से कहूंगा थोड़ा बाउंड्री के बाहर रहे, पीछे दर्शक आ रहे हैं, कहीं जाइए ना भैया, दर्शक थोड़ा पीछे आ जाए, सभी दर्शक पीछे आ जाए, एम्पायर मैच को चालू कराए। शाबाश जिन्होंने गगन चुंबी छक्का लगाया, लेकिन सलग आते आते देर कर दिया ओवर में, राहुल सोलंकी और अच्छी बॉल वहां पर, बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं कैसी भी दर्शकों से कहूंगा पीछे हो जाए, शिकारपुर वाले अच्छी उसका परिचय यही होता है कि शानदार परिचय दिया, एक ओवर और देखिए बस, पीछे हो जाए पीछे। सभी से अपील करूंगा अपने आप को ऐसा मत करिए कि फाइनल में सब अंदर आ जाए। राहुल और दूसरा छक्का खेल दिया है दर्शकों में मारा, स्कोर बताओ की बताए मेरे साथी भाई, मैच में अंत आ गया, स्कोर हो चुका है, ओवर क्या चल रहा है, पीछे हो जाओ भैया सभी बाउंड्री से पीछे, 40 रन है मेरे भाई 40। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबला और खेल गया है, और ये तीसरा छक्का लगाया, क्या है ये एम्पायर बताया हमें, छह है ये, तीसरा छक्का लगाया वहां पर शाबाश ने, भैया स्टैंड उठा लिया हमने अपने हाथ में, कुछ हो सकता है पीछे मेरे साथ ही, स्कोर बताएं कितनी अपडेट है भाई, लाइव में है, स्कोर बताओ लाइव में, लाइव में चेक करके देखो जाके, पीछे चला एक ओवर की पांच को चलो भैया, 10 मिनट का टाइम हो गया है, पीछे 12 बॉलों में 57 रन, 12 बॉल 57 रन, पीछे हो जाओ 12 बॉलों में 57 रन की जरूरत, भैया पीछे हो जाओ, आगे पीछे छोड़ो, उसके बाद लास्ट रही है 12 बॉलों में 57 रन की जरूरत, अलीगढ़ क्रिकेट क्लब को मैच जीतना होगा, सॉरी खुलिया को ये मैच जीतना होगा, तो 12 बॉलों में 57 रन, पीछे के दर्शक भैया थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे कर दे तो मैं शुरू करूंगा, दर्शक जो भी पीछे हो जाए, बिल्कुल कीपर से जो पीछे दर्शक है सब पीछे हो जाए, 12 बॉलों में 57 रन की जरूरत, अगर उनको ये मैच जीतना होगा तो 10 छक्के करीब लगातार मारने होंगे, और देख लीजिए क्या कर जाते हैं शाबाश जो काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने आखिरकार 3 छक्के लगाए, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, अगर ये छक्के शुरुआत में लगाते तो शायद मैच का परिणाम कुछ और होता, और उठाकर मारना चाहते थे चौके, गेंद सीधी विकेट कीपर के पास, बॉलर नेम बताया थर की टीम में कोई खिलाड़ी हो तो हमें, अर्शु खान, अर्शु जिन्होंने बहुत ही शानदार पारी खेली, अगर किसी युवा क्रिकेटर को सीखना हो तो अर्शु खान से सीखे, एक फाइनल में 53 रन की बहुत ही ताबड़तोड़ पारी खेली, भैया थोड़ा ग्राउंड से पीछे और खेल दिया है किसान ने, और ये 6 रन के लिए बहुत ही शानदार छक्का, 10 बॉलों सभी दर्शकों से अपील, 10 बॉलों में 51 रन की जरूरत, कमेटी के जितने भी लोग कमेटी थोड़ा मैदान के बाउंड्री से थोड़ा घूम ले,
बॉल कराते रहे लेकिन इस बात को ध्यान रखे अर्शु और उठाकर गेंद सीधी विकेट कीपर के पास है, हमें तो दो। क्या ले रहे? बहुत ही शानदार ये मैच अलीगढ़ क्रिकेट क्लब की झोली में आता हुआ, अभी देखना बाकी है क्या होता है। नौ बॉलों में 51 रन की जरूरत और फिलिक कर दिया है फील्डर ने, वहां पर दौड़ लगा दी, एम्पायर का इशारा 4 रन के लिए, 47 रन की जरूरत। 8 बॉलों में 47 रन, 8 बॉल 47 रन। भाई पीछे हो जाओ, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय शिकारपुर, 8 बॉलों में 47 रन, मैच किधर भी जा सकता है, कहीं ना जा रहा, छक्के लगातार मारने होंगे ईशान को, देखना ये है वो कामयाब हो पाते हैं या नहीं। बॉलर है अर्शु, 8 बॉलों में 47 रन की जरूरत, 8 बॉलों में 47। ये गेंद और उठाकर मारना चाहते थे एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल, 8 बॉलों में 46 रन की जरूरत, 8 बॉलों में 46 रन की जरूरत, जीतने वाली टीम को दिया जाएगा 2,01,000, 2,01,000 और जो विजेता टीम होगी उसको दिया जाएगा 1,01,000 और दौड़ लगा दी दोनों ही बल्लेबाजों ने, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 7 बॉलों में उसको मिलेगी फ्री और जिसके सबसे ज्यादा रन उसको भी मिलेगी मेरे तो फ्री फ्री फ्री। अभी ना जब सभी बार हो जाए और बहुत ही शानदार बॉल, बेल और बॉल का संपर्क नहीं, 6 बॉलों में भाई पीछे हो जाओ मेरे दोस्त, केवल छह। अलीगढ़ वालों से कहूंगा थोड़ा दूरी बनाकर रखे बाउंड्री के बाहर की तरफ, जो भी उनके समर्थक है, 6 बॉलों में 45 रन की जरूरत, जैसे महामुकाबला होने वाला है लेकिन वहां पर एक मुकाबला रहा, अलीगढ़ ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए ये मैच अपनी झोली में डाल दिया, 6 बॉलों में 45 रन की जरूरत, नामुमकिन का स्कोर। बॉल चालू अंतर पर के लेके अच्छी और डर, दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर रन लेने के लिए मना करा, 6 बॉल 45 रन और दीवानगी देखिए आप, अलीगढ़ की क्राउड देखिए आप, जबरदस्त क्राउड है और अलीगढ़ की लोगों के अलीगढ़ की दीवानगी देख लीजिए आप लोग, जबरदस्त दीवानगी है, जबरदस्त व्हाइट बॉल, एम्पायर का इशारा व्हाइट, दीवानगी भाई, अब नहीं मानेंगे दर्शक। हेलो भैया, इस टूर्नामेंट का जो फाइनल मुकाबला है वो अलीगढ़ क्रिकेट क्लब ने जीता, जोरदार तालियां जीता, मैं मंच पर जाना रहा।